दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। स्वास्थ्य विभाग न्यूज 2022। जी हाँ दोस्तों, आज है 15 जून। आज की 3 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, उत्तराखंड के रहने वाले हो, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी खबर SGPGI लखनऊ की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हो SGPGI कर्मी अनशन पर। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजधानी लखनऊ में भर्ती होंगे 122 डॉक्टर एंड उत्तराखंड NM की तरफ से। या आप लोग यहां पे देखिए नई खबर निकल के आ रही है, उत्तराखंड NM भर्ती वर्षवार मेरिट से सामने आई आवेदनों में त्रुटियां। या दोस्तों 824 पदों पर उत्तराखंड में जो NM की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में एक नई अपडेट न्यूज के माध्यम से निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा बता दें राजधानी लखनऊ में दोस्तों डॉक्टर की यहाँ पे 122 पदों पर भर्ती होने वाली है और SGPGI के कर्मचारी अनशन पर हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि पेशेंट केयर भत्ता वर्दी और करीब 1200 रिक्त पदों पर अविलंब सीधी भर्ती सहित अलग अलग विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी जो है अनशन पर हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आज है 15 जून, आज की 3 नई अपडेट निकल के आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल दोस्तों नई अपडेट है, अमर उजाला ई पेपर में आपको तीनों बड़ी खबर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे SGPGI लखनऊ के बारे में। तो प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 बड़ी खबर निकल के आ रही है SGPGI लखनऊ की तरफ से। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा SGPGI कर्मचारी महासंघ। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, क्लियर है। चलिए यहाँ पे ऊपर आप लोग देखिए, SGPGI कर्मी अनशन पर सप्ताह भर बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी, निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा। माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला ई पेपर, लखनऊ। SGPGI कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से प्रशासनिक भवन पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। मांगे नहीं माने जाने पर सप्ताह भर बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस संबंध में निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान तय किया कि महासंघ की ओर से निदेशक को हर दिन गुलाब का फूल देकर यह याद दिलाई जाएगी, कर्मचारी संस्थान और मरीजों से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन संस्थान प्रशासन उनकी उपेक्षा कर रहा है। इसके अलावा SGPGI कर्मचारी महासंघ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, पेशेंट केयर भत्ता वर्दी और दिभाषी भत्ता, करीब 1200 रिक्त पदों पर अविलंब सीधी भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर सप्ताह भर से काली पट्टी बांध कर कार्य कर रहा है। महासंघ ने सोमवार से प्रशासनिक भवन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान हुई जनसभा को संबोधित करते हुए महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र यादव और महामंत्री धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि संस्थान प्रशासन को 3 साल से लगातार मांगों के निस्तारण की मांग की जा रही है। शासन से भी बातचीत की गई दोस्तों, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। पूरे मामले में मुख्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भी ज्ञापन दिया गया। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया। सुनीता सिंह, भगवती प्रसाद, वीरू यादव, NP श्रीवास्तव, चंद्रप्रभा, राजकुमार भट्ट, कृष्णपाल, रामलखन, मेडिटेक एसोसिएशन के DK सिंह, सरोज वर्मा ने संबोधित किया। यहाँ पे आप लोग देखिए, मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा SGPGI लखनऊ के कर्मचारी महासंघ। और सबसे नई अपडेट यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, बोला गया है कि यहाँ पे देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से प्रशासनिक भवन पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। मांगे नहीं माने जाने पर सप्ताह भर बाद कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा, यह चेतावनी है। चलिए दोस्तों दूसरी बड़ी खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में दोस्तों 122 डॉक्टरों की यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। यह दोस्तों आज की डेट में दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है।
तो प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दूसरी बड़ी खबर, राजधानी में भर्ती होंगे 122 डॉक्टर। माई सिटी रिपोर्टर लखनऊ, राजधानी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत अब दूर होने वाली है। जनपद स्तर पर संविदा के 122 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। ये डॉक्टर शहरी व ग्रामीण दोनों अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर भर्ती करने का फैसला किया है। साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होगी। इन डॉक्टरों को तैनाती बलरामपुर, लोकबंधु, चिन्हट, डफरीन, झलकारीबाई, भावराव या भावराव, देवरस, रामसागर मिश्र अस्पताल समेत सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती की जाएगी। तो टोटल 122 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी गई है। जिसमें विशेषक पदों की संख्या, एनेस्थेसिया के लिए 17 वैकेंसी है, जनरल सर्जन की 3, मेडिसिन विशेषक की 5, स्त्री एवं प्रसूति विशेषक की 12, बाल रोग विशेषक के लिए 7, PICU विशेषक के लिए 2, SNCU विशेषक के लिए 4, फिजिशियन के लिए 10, रेडियोलॉजिस्ट के लिए 10, ENT के लिए 3, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 1, एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के लिए 25, मेडिकल ऑफिसर के लिए 24। तो 122 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया बृहस्पतिवार से यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। यह नई अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो डॉक्टरों की जो तैनाती है बलरामपुर, लोकबंधु, चिन्हट, डफरीन, झलकारीबाई, भावराव, देवरस, रामसागर मिश्र अस्पताल समेत सभी 9 समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो। बाकी इंटरव्यू के बेस पर यह भर्ती हो रही है, तो आप लोग जो है इंटरव्यू दे सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट तीसरी बड़ी खबर देख लेते हैं, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड NM के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दें, अमर उजाला ई पेपर देहरादून सिटी आपको देखना है, और देहरादून सिटी में आपको माई सिटी देखना है। तो दोस्तों उत्तराखंड अमर उजाला ई पेपर, अमर उजाला ब्यूरो, माई सिटी, NM भर्ती वर्षवार मेरिट से सामने आई आवेदनों में त्रुटियां। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने कहा, ऐसे उम्मीदवार बोर्ड में दे प्रत्यावेदन, बोर्ड ही लेगा फैसला। तो यहां पे नई अपडेट निकल के आ रही है उत्तराखंड NM के लिए। जल्दी से दोस्तों कवर कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल खबर यहां पे निकल के आती है और उसकी दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। देहरादून प्रदेश में NM के 824 पदों पर भर्ती की वर्षवार मेरिट जारी हुई, तो आवेदन में भारी त्रुटियों की शिकायतें भी बढ़ गई। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि यह मेरिट केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई है, जो कि चयन सूची नहीं है। अगर उम्मीदवारों को कोई शिकायत है तो वह बोर्ड में अपना प्रत्यावेदन दे, बोर्ड उस पर निर्णय लेगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुवाल ने बताया कि NM के 824 पदों के सापेक्ष प्रदेश भर से 4,951 ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 10 जून को वर्षवार मेरिट जारी की गई, जिसमें पदों के सापेक्ष 25% अधिक उम्मीदवारों को शामिल किया गया। इसकी विस्तारित सूची 13 जून को जारी की गई। इस सूची में जिनका नाम नहीं आया वह शिकायत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे उम्मीदवारों की भी है जिनके ऑनलाइन आवेदन में गलती की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे जुवाल ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों पर कोई भी निर्णय बोर्ड ले सकता है, लिहाजा अगर किसी को भी वर्षवार मेरिट से कोई शिकायत है तो वह अपना प्रत्यावेदन बोर्ड में दे, इस पर बोर्ड ही निर्णय लेगा। प्रोफेसर जुवाल ने कहा कि यह केवल वर्षवार व श्रेणी उपश्रेणीवार मेरिट है, यह अंतिम फाइनल सूची नहीं है। सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम है उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन 25 जून से शुरू होने जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।